वेलकम फ्रेंड्स, टेक्निकल आकाश में आप लोगों का स्वागत है। आज फिर से एक नए वीडियो में आप लोगों का सभी का स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में मैं ज़ेरॉक्स मशीन का जो ये सब कीपैड्स होते हैं ना, उसका कौन से की का क्या फंक्शन है, यही सिर्फ बताने वाला हूं। अगर आपको कैसे ज़ेरॉक्स करना है या ज़ेरॉक्स का मैनुअल प्रोसीजर एक्सेट्रा चाहिए तो मेरा दूसरा वीडियो भी है, आप चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इधर से शुरू करते हैं। इधर में देखिए, आप लोगों को एक ऑटो का, यहाँ पर एक ऑटो का बटन मिलेगा, या ये लाइट जब यहाँ पर रहता है, मतलब जो इंक आपका प्रिंटर से जाएगा ये नॉर्मल जाएगा। जब लाइट यहाँ पर रहते हैं तो इसका मतलब है इंक थोड़ा ज़्यादा जाएगा, मतलब प्रिंट थोड़ा डार्कर प्रिंट आएगा। और ये थर्ड नंबर पर है, इसका मतलब प्रिंट और भी डार्कर आएगा। अभी देखिए, अभी है ये पेपर, जब यहाँ पर ये मैं आप लोगों को चलाकर भी डेमो भी दिखाऊंगा। ये ओरिजिनल रहता है पेपर, जब यहाँ पर रहता है तो ये ओरिजिनल होता है। इस पर डबल क्लिक करने पर पेपर ऐसे यहाँ आ जाता है, ये मैं दिखा दूंगा आप लोगों को, ऐसे नहीं आप समझेंगे। इसके बाद है पेपर। पेपर में होता क्या है, पेपर आप मिडिल से या से प्रिंट करेंगे या साइड से प्रिंट करेंगे, ये डिपेंड करता है पेपर के ऊपर। पेपर से आपको मतलब चूज़ करना है आप कहाँ से प्रिंट करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए आप अंदर से प्रिंट करना चाहते हैं, मतलब मिडिल से प्रिंट करना चाहते हैं, तो ये डिफ़ॉल्ट ये सेटिंग यहाँ पर रहता है। तो आप पेपर में अगर एक क्लिक करेंगे तो ये लाइट यहाँ से यहाँ चले जाएंगे, मतलब साइड से प्रिंट होगा। उसके बाद हम लोग आते हैं, या आपको जिसका ज़रूरत पड़ेगा ये है, ये है मतलब जूम इन जूम आउट करने के लिए। ये एक क्लिक करेंगे तो यहाँ से डायरेक्ट 100% से, कुछ शॉर्टकट दिए हुए शॉर्टकट से 100 से 86 आ जाएगा, 86 से 81 आ जाएगा। और आप इंक्रीज़ में क्लिक करते हैं तो ये देखिए, या 115 में जाएगा, 122 जाएगा, 141, मतलब 200% जूम हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए, ये मैन्युअली करने के लिए है। ये देखिए, यहाँ पर नॉर्मली जूम आप 1, 2, 3 ऐसे करके करेंगे तो यहाँ पर 1%, 2% करके ये घटेगा। और यहाँ पर है कुछ बटन्स, यदि दिए गए हैं आप शॉर्टकट्स के लिए, मतलब एक पेपर अगर आप प्रिंट करना चाहते हैं और उसका आपको 5 कॉपी चाहिए तो यहाँ पर 5 पर क्लिक करेंगे तो एक साथ 5 कॉपी आ जाएगा। और यहाँ पर है ये CA, ये बटन जो है ना, ये बहुत ही मतलब वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बटन्स है। यहाँ पर देखिए, आप पहले से अगर आप कुछ सेटिंग्स करके रखते हैं और ये सेटिंग्स अगर आपको नहीं चाहिए, मतलब डिफ़ॉल्ट सेटिंग चाहिए, तो यहाँ पर आप क्लिक कीजिए, सभी सेटिंग डिफ़ॉल्ट हो जाएंगे। और ये बटन है, यहाँ पर क्लिक करके आप प्रिंट कर सकते हैं डायरेक्टली। सभी ये मतलब सेटिंग करने के बाद ये कमांड की है, आप इसे प्रेस करेंगे तो मतलब ये प्रिंट हो जाएगा। तो दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। सॉरी थोड़ा नॉइज़ है बाहर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और इन्फॉर्मेटिव लगा तो ये वीडियो प्लीज़ शेयर कर दीजिए, और मेरे चैनल को ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।